नमस्कार, देसी फूड फंडा में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे भिंडी की चटपटी भाजी। भिंडी की चटपटी भाजी बनाने के लिए हमें चाहिए भिंडी, साबुत सूखी लाल मिर्ची, जीरा, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट। साथ ही हम लेंगे बारीक कटा हुआ प्याज और दो तीन हरी मिर्ची। हमने एक पैन में 3 टेबलस्पून तेल डाल के गरम कर लिया है। इसमें हम डालेंगे 3-4 साबुत लाल मिर्ची, साथ ही हम डाल देंगे 1 चम्मच साबुत जीरा। इसको 1-1.5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, जब तक हमारे जीरा तड़क ना जाए। जीरा हो गया है, अब हम इसमें 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को भी 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, जब तक ये ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। चलाते रहेंगे। प्याज को नहीं हिलाने से साइड के प्याज एक तरफ से रेडिश हो जाते हैं। प्याज हमारे ट्रांसलूसेंट हो गए हैं। इसमें हमने 500 ग्राम भिंडी लिया है, जिसको हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। इसको डाल देंगे। पलट पलट देंगे और भिंडी को 5 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे। पांच मिनट हो गए हैं, बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमारी भिंडी 90% कुक हो गई है। इसमें हम अब सूखे मसाले डालेंगे। हमने यहाँ स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। साथ ही हम 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे और 1/2 चम्मच ही धनिया पाउडर भी डाल देंगे। सभी चीज़ों को आपस में मिला देंगे। 3-4 हरी मिर्ची को बीच में से चीर के इसमें डाल देंगे। एक मिनट के लिए फ्राई करेंगे। हमारी भिंडी की भाजी तैयार है। इसको डिश आउट कर लेंगे। स्वादिष्ट चटपटी भिंडी की भाजी तैयार है। इसको रोटी, पराठा, नान के साथ में खा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए नए नए कुकिंग वीडियोस के लिए।